माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला पूरी की रेसिपी। इसमें आपको कचौड़ी का भी स्वाद मिलेगा। इसे आप दही, चटनी, अचार या किसी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको हरी चटनी की एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल, जिसमें हम डाल देंगे एक कप सूजी, ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम। और अब हम डाल देंगे हल्का गुनगुना पानी एक कप। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे एक बार ग्राइंडर में चलाकर बारीक पीस ले। तो इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। मसाला पूरी बनाने के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का गाजर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज के आलू, 2 बड़े प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 छोटा शिमला मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियाँ। अब हम एक मिक्सर के जार में प्याज को छोड़कर बाकी सारी सब्जियाँ डाल देंगे। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। तो अब हम इन सब्जियों को दरदरा पीस लेंगे। इसे बिल्कुल इसी तरह से दरदरा पीसना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है और अब हमने जो सब्जियों का दरदरा पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा पीसा हुआ सौंफ। सौंफ डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दरदरी पीसी हुई सब्जियों को मैंने टोटल 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो सूजी पूरी के लिए मसाला तैयार किया है वो इसमें हम डाल देंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे और 1 कप आटा। एक बार में सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है। इसे गूंथने में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आटा आपका कम या ज़्यादा लग सकता है। इस कप से मैंने 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है। आपका आटा कम या ज़्यादा लग सकता है, ये आपके सब्जी के मॉइस्चर पर डिपेंड करता है।
नॉर्मल चपाती के लिए जो हम आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा टाइट आटा लगाना है। आटा तैयार हो गया है, इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे धनिया का पत्ता। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी डालने से चटनी का हरा रंग बरकरार रहता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें चीनी डालना है। और अब डाल देंगे 1/4 कप दही। आप दही के जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि साथ ही हम काला नमक भी डालेंगे। और चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बने इसीलिए हम इसमें डाल देंगे हल्दीराम का भुजिया। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। और अब हम चलते हैं मसाला पूरी की ओर। 15 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मुलायम कर लेंगे। आटे से हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोई तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसकी पूरियां बेल लेंगे। पूरी बेलने के लिए हम चकले पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। पूरी की थिकनेस हमें ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल इसी तरह की रखनी है। इसी तरह से हम सारी पूरियां। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, तो अब हम गरम गरम पूरियां तल लेते हैं। देखिए पूरी फूल गई है और एक तरफ से ये अच्छे से सीख गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे। इसी तरह सुनहरा होने तक हम इसे दूसरे तरफ से भी तल लेंगे। ये पूरी तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी पूरियों को तल लेंगे। तो हमारी मज़ेदार मसालेदार गर्मा गर्म मसाला पूरी बनके तैयार हो गई है। इसे आप चटनी के साथ, अचार के साथ या किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इसे आप पूरी भी बोल सकते हैं या इसे आप कचौरी भी बोल सकते हैं। ये पूरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।